खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद का क्वारंटीन सेंटर डांस बार बन गया। दरअसल मुरादाबाद के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा देखने को मिला। मुंबई से आई बार डांसरों का यहां पर हंगामा हुआ और बियर की डिमांड पूरी नहीं हुई, इसीलिए इस हंगामे को किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद क्वारंटीन सेंटर में बार बालाओं का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर डांस बार बनता हुआ ये क्वारंटीन सेंटर दिखाई दिया। दरअसल मुंबई से बार डांसरें आई हुई हैं, क्वारंटीन में इन्हें रखा गया है, लेकिन इस दौरान इन्होंने बियर की मांग की है और बियर की मांग को लेकर काफी हंगामा भी किया गया है। क्वारंटीन सेंटरों से मांग ये आ रही थी कि उन्हें खाना बेहतर नहीं दिया जा रहा था, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं दी जा रही थी, सोने के लिए जो बिस्तर थे वो भी गंदे थे। लेकिन यहां पर जो इन लोगों के जरिए मांग उठाई गई है वो बियर को लेकर उठाई गई है। मुंबई से आई हैं ये बार बालाएं और क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया, जब तो एक तरफ डांस भी किया गया तो एक तरफ हंगामा भी किया गया, और इस तरह से कह सकते हैं कि विरोध यहां पर किया गया है कि उनके लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए जा रहे, और इन इंतजामों में वो बियर शामिल है जिनकी इन्हें जरूरत है और इसी जरूरत को पूरी करने की अभी मांग यहां पर कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुरादाबाद के क्वारंटीन सेंटर की आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर बार डांसर्स जिनका हंगामा देखने को मिला, डांस देखने को मिला और मांग यहां पर हुई तो वो थी बियर की। तो महाराष्ट्र से बता दें आपको कि कई लोग आए हैं ट्रेनों के जरिए अब प्रदेश में, और ऐसे में फिलहाल उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा बल्कि क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है, ताकि उन्हें कुछ दिन रख के लक्षण उनमें ना निकले, ऐसी कोशिश ताकि गांव-गांव तक ये बीमारी ना पहुंच जाए। तो वीडियो इन लोगों का सामने आया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 TV आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में बार बालाओं के ठुमके देखने को मिले हैं और मांग सिर्फ महज एक बियर की। और ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अब तक तो अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी मांग यहां पर, डिमांड यहां पर की जा रही है। आपको यहां बता दें, ये मामला जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया, तत्काल ही मौके पर प्रशासन व आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो ये मांग की जा रही थी पूरी तरह से अवैध थी, और बियर की मांग इन बार बालाओं के द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद इनकी धमकी थी कि हमें अगर बियर नहीं मिली तो हमें या तो घर वापस जाने दिया जाए या तो हमारी मांग की पूर्ति की जाए, और इसी के फलस्वरूप इन्होंने वहां पे डांस कर अपना विरोध दर्ज कराया। और गौर करने की बात ये है कि अभी ये प्रवासी मजदूर हाल में ही मुरादाबाद लौटे थे मुंबई से, और इनके साथ दो ट्रकों में भरकर ये आए थे और करीब 57 से ज्यादा प्रवासी ये मुंबई से लौटे थे, और जब इनकी रिपोर्ट अभी कल ही 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा, और क्वारंटाइन सेंटर जैसे ही भेजा ब्रह्म प्रकाश, अभी जो तस्वीरें सामने आई है इस पर अधिकारी क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पर? जब R9 की टीम ने पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की अवैध रूप की मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती, फिलहाल बार बालाओं को समझाया गया है और किसी तरह उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखने की सख्त हिदायत दी गई है। चलिए, फिलहाल धन्यवाद आपका ब्रह्म प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।